कौन बीमार भी, हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोग। चंद्रशेखर पर आकाश आनंद के बयान के बाद दो फाड़ हुआ बहुजन समाज। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। चंद्रशेखर और आकाश के समर्थकों में छिड़ा ट्विटर वॉर। कौन बीमार भी, हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोग। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। कौन बीमार भी, हम नहीं जानते किसी ऐसी चीज को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बीएसपी के युवा नेता आकाश आनंद ने भीम आर्मी के बारे में ऐसा कमेंट किया कि बहुजन राजनीति में बवाल मच गया। इस बयान के बाद एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं तो दूसरी ओर आकाश आनंद के सपोर्टर, दोनों ही सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आकाश आनंद के बयान को आत्मविश्वासी बता रहा है तो कोई इसे घमंड कह रहा है। वहीं आजाद के समर्थक भी पीछे नहीं हैं। कोई आजाद की बड़ी बड़ी रैलियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहा है तो कोई आकाश आनंद को टाइम मैगजीन का वो कवर पेज दिखा रहा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद को दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शामिल किया गया था। दरअसल बुधवार को भोपाल में आकाश आनंद ने बड़ा आंदोलन किया था। एमपी में दलितों और आदिवासियों पर लगातार बढ़ते हमलों के खिलाफ आकाश आनंद ने पैदल मार्च किया और राजभवन का घेराव करने पहुंचे। इसी दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे भीम आर्मी से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हल्ला मच गया। कौन भीम आर्मी, हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोग। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। आकाश आनंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बट गया। संजीव जाटव नाम के यूजर ने लिखा कि आकाश आनंद अभी अंडे से भी नहीं निकले हैं। वहीं बीए फॉर इंडिया हैंडल से आजाद की एक बड़ी रैली का वीडियो शेयर किया गया। इस हैंडल से लिखा गया, देश की करोड़ों बहनों की आवाज है भीम आर्मी, बुजुर्गों की पगड़ी का मान है भीम आर्मी, युवाओं का स्वाभिमान है भीम आर्मी। आकाश आनंद याद रखना, तुमने ये गाली भीम आर्मी को नहीं दी, देश के उन असंख्य दबे कुचले पीड़ितों को दी है, यही छोटे मोटे लोग तुम्हारा हिसाब करेंगे। बसपा समर्थक भी पीछे नहीं है। अभी गोडियान 111 ने अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को छोटा नेता बोला था तब आजाद पार्टी वालों को बुरा क्यों नहीं लगा, जिसमें चंद्रशेखर रोए गिड़गिड़ाए लेकिन अखिलेश ने 2 सीट नहीं दी फिर भी भाई बेइज्जती सहन कर गए, और आकाश आनंद के इस बयान से इतना डर और बौखलाहट क्यों है। रफी उद्दीन नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि जब बसपा का कोई शेर धाड़ता है तो भीम आर्मी का कोई नेता उसकी बराबरी नहीं कर सकता, भीम आर्मी की कोई अहमियत नहीं है जो बसपा की बराबरी कर सके। सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि पार्टी के नेता भी इस ट्विटर वॉर में कूद पड़े हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने भी आकाश आनंद पर निशाना साधते हुए लिखा, बहुजन आंदोलनकारी को ना पहचाना आकाश आनंद को विरासत में मिला है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के भीम आर्मी चीफ को गरीब किसान मजदूर समाज वे फूले शाहू अंबेडकर व कांशीराम के मिशनरी जानते हैं। हम हवाओं का रुख मोड़ेंगे, विरासत वालों का गरूर तोड़ेंगे, सारा बहुजन जोड़ेंगे। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों नेताओं को एक दूसरे की बुराई करने की जगह एकजुट होने की बात कर रहे हैं। हमने ट्विटर पर एक पोल भी किया और सीधे जनता से पूछा कि वो चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में से किसके साथ हैं। हमारे पोल में खबर बनाए जाने तक करीब 80% वोटों के साथ चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे थे। वैसे ये तो सोशल मीडिया की बात है, हकीकत में नेता तो विरोधियों पर इस तरह के हमले करते ही रहते हैं। अगस्त 2021 में द न्यूज वीक से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने भी एक बार आकाश आनंद को लेकर कुछ इसी तरह का बयान दिया था। युवाओं के बीच से ही बीएसपी से आकाश आनंद एक निकल के आ रहे हैं, बहन जी के भतीजे हैं, अभी उन्होंने मीटिंग भी की और युवाओं के साथ संवाद भी शुरू किया, तो लग रहा है कि वो कुछ युवाओं को जोड़ पाएंगे पार्टी से, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं अपनी पार्टी के बारे में तो सुमित भाई बता सकता हूँ, युवाओं के बीच बीच से कोई निकल के नहीं आ रहा है, अपने घर से निकल के आ रहा है और घर से ऑफिस तक आ रहा है। जब जाएंगे धरातल पे तो एहसास हो जाएगा, 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आदमी ज़मीन को छूता है ना। मैं अभी एक आंदोलन में शामिल हुआ दिल्ली में, जहाँ 9 साल की बच्ची के जब ऊपर से सूरज की धूप आती ना, अच्छे अच्छे की चर्बी जो है ना वो गर्म हो जाती। अभी आएंगे, अभी तो जो है ना विरासत की मिली राजनीति पे नेता हैं, अभी आएंगे ज़मीन पे काम करेंगे तो पता लग जाएगा। काशीराम साहब कहते हैं आंदोलन से नेता पैदा होता है, मान बाबा साहब का एक सिद्धांत था कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से तैयार नहीं होगा, अब तो दोबारा से उन्होंने सारे सिद्धांत बदल दिए, अब तो राजा दोबारा से रानी के पेट से तैयार हो रहा है। तो बाबा साहब के मूल मंत्र को गलत साबित किया जा रहा, नहीं होने देंगे, उनको अपनी पार्टी काम करना चाहिए, मेरी मंगल कामना है उनके लिए। हम आज़ाद समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए दमखम लगाएंगे। युवाओं में लोकप्रियता इसलिए है कि हम लोग सड़क पर काम करते हैं, और मैं उस पार्टी का नेता हूँ जिस पार्टी के लोग रात में एक दिन में और या रात में एक टाइम भूखे सोते हैं,
लेकिन स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखते, बेचते नहीं हैं, ना दलित समाज के वोटों का सौदा करते हैं, और ना ही जब अन्याय अत्याचार होता है तो वो घर में सोते हैं, लड़ते हैं। तो ये समाज बलशाली और आशावादी भी कभी इधर उधर नहीं हुआ है। अब उसको प्रयास कर रहे हैं दोबारा से इकट्ठा करने का। इस बार लोगों से अपील भी ये कर रहे हैं कि विकल्प है आपके पास, जो अच्छा काम करें आप उसके साथ खड़े हो गए। गरीबों को भी बल देना चाहिए, अगर राजनीति में अमीरों के अमीर रोक रहे हैं तो उस सिद्धांत को भी हो जाएगा कि भाई लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू होती है, ये भी जीरो हो जाएगी बात। ऐसे तो फिर अमीर ही रह जाएंगे, गरीब कहाँ रहेंगे राजनीति में। तो बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार इसलिए दिया कि गांव देहात में रहने वाला जिसके सर पे छत भी नहीं, वो भी एक सपना देख के लोगों को तैयार करके आगे बढ़ के अपने समाज के लिए कुछ करे। उसको इस कॉरपोरेट सेक्टर की राजनीति ने, पैसे की राजनीति ने दबा दिया। तो सस्ते संसाधनों पे गरीब आदमी कैसे नेतागिरी करके आगे बढ़ने का अवसर मिलने के बाद समाज का भला करेंगे, वो तैयार कर रहे हैं। अभी तो आप देखें ना, कहते तो था कि 90% जो आय है, 90% जो पूंजी है, उस पर 10% लोग काबिज हैं। तो यानी कि 90% लोग तो अपने ज़िंदगी को सर्वाइव करें किस तरह। उन 90% लोगों में अभी जो राजनीतिक व्यवस्था 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके राजनीति करने लोग, कितने लोगों की क्षमता है? तो मैं समझता हूँ कि उन जो जिनमें काबिलियत है वो इस घनघोर बादल, पैसे के बादल के नीचे दब ना जाए, इसलिए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना सिद्धांत के रूप में जरूरी है, करेंगे। जिससे कि कोई CBI, ED वाला, इनकम टैक्स वाला हमारे नेता गला पकड़ के उससे अपनी मर्जी जो है ना काम ना करवा ले। और समाज हित सर्वोपरि है। कल अगर मैं तो समाज से भी कहूँ, कल चंद्रशेखर अगर अपने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ता है तो समाज को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये तो सदियों से आंदोलन चला आ रहा है। लड़ाई विचारधारा की, लड़ाई जो है अधिकारों की। तो जब तक लड़ता रहे तब तक साथ दीजिए। मैं तो सारे बहुजन नेता नेत्रियों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने जो भी थोड़ा भी काम किया हो, क्योंकि बेसिकली हैं तो हमारी। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं और दूसरी तरफ आकाश आनंद, लेकिन बीच में है बहुजन समाज। आप किसकी तरफ हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय दें। आकाश आनंद के बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं वो भी आप जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।